सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। समझ आया? हमें बस यही करना है, कोरोना वायरस की चेन को तोड़ना है। कितना मुश्किल है ये करना? बिल्कुल भी नहीं ना। लेकिन फिर भी हर तरफ से धड़ाधड़ सुझाव आ रहे हैं, कितनी बार हाथ धोना है, कितना पानी पीना है, बाहर का खाना खाना है या नहीं, मास्क पहनना है या नहीं। हर तरफ उलझन ही उलझन है, इतनी कंफ्यूजन है कि पता ही नहीं लग रहा कि अपने आप को बचाएं तो कैसे बचाएं। कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि अभी इतना हंगामा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 200 मामले ही तो सामने आए हैं। हमेशा ध्यान रखें, इलाज से बचाव अच्छा है। दोस्तों, दिस इज हाई टाइम अब हम सोशल डिस्कनेक्ट करें, नहीं तो बाद में पछतावा ही होगा, जो बहुत से देशों को हो रहा है कि पहले एक्शन क्यों नहीं लिया। आज की इस वीडियो में आपको सोल्यूशन मिल जाएगा कि आखिर अपने आप को सेफ रखने के लिए आपको करना क्या है, और ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया, इसके लिए दो ही ब्रह्मास्त्र चाहिए, संकल्प और संयम, यानी कि डिटर्मिनेशन एंड पेशेंस। डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि यूएसए, इटली, स्पेन, जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्ट्रॉन्ग मेडिकल स्टाफ है, सभी रिसोर्सेज हैं, इससे फाइट कर रही हैं पर उभर नहीं पा रही हैं। क्यों? क्योंकि इस जंग में सबसे बड़ी हिस्सेदारी नागरिकों की है, हमारी है। अब मैं कुछ बातें बताऊंगी, उन पर अगर अमल कर लिया तो कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर जागरूकता की मुहिम में आप हिस्सेदार बनना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो आज से ही अपने आप को कोरोना से बचाने के लिए क्या करना है? पहला, सोशल गैदरिंग बंद करनी होगी। बर्थडे पार्टी, शादी या फिर किसी फेस्टिवल आने वाले कुछ हफ्तों के लिए टाल दीजिए। दुनिया भर इटली, चाइना, फ्रांस, स्पेन जैसे देश के एग्जांपल्स की केस स्टडी करने पे साफ साफ पता चला है कि मास्क लगाना, हाथ धोना, सैनिटाइजर यूज करना सफिशिएंट नहीं है कोरोना से लड़ने के लिए। पूरे देश को बंद करना पड़ेगा, टोटल लॉकडाउन, ताकि ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान तक ना फैले। तो आने वाले कुछ दिनों के लिए आप कम ही मिलनसार रहिए, वीडियो कॉल्स, वीडियो गेम्स, घर पे मूवीज से ही अपना टाइम पास कीजिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। दूसरा, अगर हो सके तो अपने ऑफिस का काम घर से ही करें, वर्क फ्रॉम होम। अगर आप कहीं ऐसे जॉब करते हैं जो काम घर से नहीं हो सकता, जैसे बैंक, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, तो छुट्टी लेने में ही फायदा है, नहीं तो किसी ना किसी दिन संक्रमित व्यक्ति के कॉन्टैक्ट में आ जाओगे और जबरन छुट्टी लेनी पड़ेगी। तीसरा, कोशिश करें घर से निकले ही ना, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी है, घर के लिए राशन पानी लाना है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अवॉइड करें, ताकि आप दूसरे लोगों के कॉन्टैक्ट में ही ना आ सके। रिमेंबर दैट वर्ड, सोशल डिस्टेंसिंग। इस बात का जरूर ध्यान रखना, अगर ये आपको हुआ तो आपकी फैमिली को होने के चांसेस हैं, उनके लिए भी बचना मुश्किल हो जाएगा। चौथा, कोरोना वायरस के पैटर्न को देखा जाए तो ये वायरस के सीरियस केसेस ज्यादातर बच्चों और बुजुर्गों, खासकर 60 से ऊपर में ही रिपोर्ट हुए हैं, क्योंकि एक तो उनकी इम्यूनिटी एडल्ट्स के तुलना में कमजोर होती है, और दूसरा, ज्यादातर बुजुर्गों को पहले से ही कोई ना कोई बीमारी भी होती है। तो बेहतर होगा जितना हो सके उनको आइसोलेट ही रखें। आई नो कहना आसान है और करना मुश्किल, पर याद रखिए हम मुश्किल दौर से ही गुजर रहे हैं। पांचवा, कोरोना वायरस को हल्के में ना लें। अगर आप इसके लक्षणों को महसूस कर रहे हैं तो अपना चेकअप करवाएं। तुरंत सरकार द्वारा जारी की गई हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करके डिस्कस करें और अपना टेस्ट करवाएं, क्योंकि जितना जल्दी कोरोना वायरस पकड़ में आएगा, इलाज करने में उतनी ही आसानी होगी और बाकी लोग भी संक्रमित होने से बच जाएंगे। अब टाइम आ गया है कि हम एक साथ एकजुट होकर इस वायरस से लड़े। हमें कोरोना से डरना नहीं है, हाँ, लेकिन बेफिक्र भी नहीं होना है, सचेत रहना है, अवेयर रहना है। देशवासियों, वीडियो का एंड करूंगी इस पिक्चर के साथ, अगर आप इसको समझ गए तो कोरोना पर हमारी जीत अब दूर नहीं है। इस अवेयरनेस मिशन में आप भी योगदान दें, वीडियो को अभी के अभी कम से कम 10 लोगों तक शेयर करें। जितना ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचेगी, हम कोरोना से सुरक्षित रहेंगे। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, प्लीज।